हम इस वीडियो के माध्यम से होम्योपैथिक मेडिसिन साइकूटा बिरोसा के बारे में जानेंगे कि यह मिर्गी, हिस्टीरिया या दांत निकलते समय जो ऐंठन होता है, या ऐसे और कौन कौन सी रोगों पर साइकूटा बिरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन काम करता है। विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, साइकूटा बिरोसा शरीर में किसी भी प्रकार की ऐंठन हो, मड़ोर हो, तो इसमें वह ताकत होती है कि वैसे लक्षणों को यह दूर करता है। साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति जो मिर्गी से ग्रस्त हो, हिस्टीरिया से ग्रस्त हो, या जो खाता है वह बिल्कुल पच नहीं पाता है, अजीर्ण की अवस्था में रहता है, या जब छोटे छोटे बच्चों को दांत निकलता है उस समय बच्चे ऐंठन से जूझते रहते हैं। अब हम लोग कुछ मन से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं कि यह साइकूटा मेडिसिन और इसके अलावा कौन कौन से लक्षणों पे काम करता है। तो साइकूटा बिरोसा का जो रोगी है अजीब अजीब सी हरकतें करता है, साथ ही कभी हंसता है, कभी रोता है, या अपने आप ही कभी नाचने लगता है, गाने भी लगता है, खुली आंखों से सपने जैसी बातें करता है। ऐसा लगता है कि कहीं किसी से वह बातें करता है, दूसरे लोग देखेंगे तो यही समझेंगे कि यह जरूर कोई पागल होगा, तो अपने आप से ही बातें करना लगता है, या फिर हर किसी को देखकर भागने की चेष्टा करता है, यानी कि उनके अंदर जो है डर पैदा हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर सबसे लड़ने झगड़ने की कोशिश करने लगता है। मानसिक रोगों के लक्षणों के नजर आने पर यदि रोगी को साइकूटा बिरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कराया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। अब हम लोग सिर से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। सिर के रोग के लक्षण जैसे सिर का एक ही तरफ झुक जाना, गर्दन में पूरी तरह से दर्द करने वाला बुखार, गर्दन की जो पेशियां हैं खिंचाव आ जाना उसमें, और साथ ही सर में चक्कर आना, पेट में दर्द होना, और जो मांसपेशियां हैं उसमें बहुत काफी तेज ऐंठन और साथ में दर्द होना। कोई भी चीज जब वह देखता है तो लगता है पेशियों में, मांसपेशियों में ऐंठन आना, किसी चीज को लगातार घूरते रहना, दिमाग पर नजर न आने वाली चीज, चोट लगने से रोगी को लकवा मार जाना आदि लक्षणों में साइकूटा बिरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कराया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। अब हम लोग आंखों से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। यदि किसी भी अखबार या फिर किताब को पढ़ते समय जो उस पे लिखावट है, अक्षर है, साफ साफ नजर नहीं आता है और आंखों की जो पुतलिया है फैलाना पड़ता है या फैलाता है, आंखों से एक ही चीज का ऐसा लगता है कि दो दो दिखाई देता है, आंखों का पथरा जाना, सामने रखी हुई चीज का एकदम से दिखाई ही न देना, नजर नहीं आना आदि लक्षणों में यदि उस रोगी को साइकूटा बिरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कराया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। अब हम लोग चेहरों से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। चेहरे पर बहुत ही छोटे छोटे लेकिन काफी सारी फुंसियां और दाने निकला रहता है, और साथ ही उस पर मोटी पीली सी पपड़ी भी जम जाती है, चेहरा का बिल्कुल लाल हो जाना, जबड़े का अटक जाना, जब बोलता है तो अटक अटक करके बोलता है, हर समय दांतों को चबाते रहना आदि लक्षणों को किसी व्यक्ति में नजर आए तो आप साइकूटा बिरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके बिल्कुल ही उसे ठीक कर सकते हैं।
अब हम लोग गले से संबंधित लक्षण के बारे में जान लेते हैं। सैकुटा बिरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन में गले का बिल्कुल सूख सा जाना, किसी भी खाने पीने की चीज को निगलते समय उसे बहुत ही परेशानी होना, ऐसा लगना कि आहार नली में हड्डी जो है अटक जाने जैसी उसे महसूस होना। यदि ऐसे कोई रोगी बताता है तो सैकुटा बिरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके उसे बिल्कुल ही ठीक किया जा सकता है। अब हम लोग अमाशय से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। रोगी को बहुत ही तेज प्यास लगता है, अमाशय में जलन होने के साथ ही ऐसा लगता है कि वहां पर कोई दबाव दे रहा है और बार बार वह रोगी जो है हिचकी लेता रहता है। पेट में साथ ही जलन होता है, मन का ऐसा करना जैसे कि कोयले आदि को अभी वह खाना शुरू कर दे और खाता भी है। भूख कम लगने के साथ जो है वह बेहोशी की अवस्था में हो जाते हैं और साथ ही मुंह में झाग आ जाता है। ऐसी लक्षण दिखे तो आप वैसे रोगी को भी साइकोटिक बिरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग पेट से संबंधित लक्षणों को देख लेते हैं। तो सैकुटा बिरोसा का जो रोगी है वह बेचैन और चिड़चिड़ेपन, साथ ही अफरा भी उसे होता है। पेट में बिल्कुल गड़गड़ाहट जैसा महसूस होना और पेट का फूल जाना, बहुत तेज दर्द होना, पेट में दर्द के साथ ऐसा लगना कि उसे लकवा मार गया है, आदि लक्षणों को भी सैकुटा बिरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन देकर करके बिल्कुल ही हम लोग ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग मलांत्र से जुड़ी कुछ लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो सुबह के समय सैकुटा बिरोसा के मरीज को पतले दस्त आता है और जो पेशाब है वह बार बार जाता है। मलांत्र में बहुत ज्यादा खुजली होना, ऐसी लक्षणों को भी सैकुटा बिरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके बिल्कुल ही ठीक किया जा सकता है। अब हम लोग सैकुटा बिरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन का सांसों से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो सांस लेने में परेशानी होना, छाती का कसा हुआ सा महसूस होना, दिल की पेशियों में ऐंठन आना, छाती में गर्मी सी महसूस होना, आदि लक्षणों के आधार पर रोगी सैकुटा बिरोसा औषधि देने से बिल्कुल ही लाभ मिलता है। अब हम लोग शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। गर्दन की पेशियों में खिंचाव आना और ऐंठन सी महसूस होना, सिर में पीछे की ओर खिंचाव सा होना, पीठ का पीछे की ओर झुक जाना, शरीर के किसी भी अंग को मड़ोड़ने में दर्द होना, मासिक धर्म के दौरान कुछास्थि यानी कोक्सी में बहुत तेज दर्द महसूस होना, आदि लक्षणों में अगर रोगी को सैकुटा बिरोसा नियमित रूप से सेवन कराया जाए तो वह बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। साथ ही त्वचा पर पीले रंग की बहुत सारी फुंसियां निकालना, त्वचा के ऊपर बिना खुजली के होने वाली छाजन जिसमें स्राव सूख कर सख्त सा हो जाता है और उसका रंग नींबू के छिलके जैसा पीला हो जाता है, आदि लक्षणों के आधार पर भी सैकुटा बिरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही कारगर साबित होता है। तो ऐसे लक्षण यदि दिखे तो आप लोग सैकुटा बिरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन देकर के बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि सैकुटा बिरोसा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आप सभी को जो मैं अभी अभी लक्षणों सहित बताया हूँ वो आप लोग बिल्कुल ही समझ गए होंगे। और यदि आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, मैं उसका जवाब भी अवश्य ही दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।